नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो रही है। रविवार को बीते 24 घंटे में 7,695 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। दूसरी लहर में 21 मई को 7,682 नए केस मिले थे। उसके बाद अब इतने आंकड़े सामने आए हैं। अब पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,974 हो गई है। आज से पूरे प्रदेश में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्तमान में कुल 107 केस हैं। इसमें अकेले 77% केस वाराणसी में हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी और रामशंकर कठेरिया भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों नेताओं ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पूरे प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजों में केवल ऑनलाइन मोड पे पढ़ाई होगी। हालांकि इस अवधि में पूर्व निर्धारित परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी। रविवार को आई रिपोर्ट में गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा में पिछले 24 घंटे 2,603 नए मरीज मिले हैं। मेरठ में एक और महिला की मौत हुई है। मेरठ में अब तक कोरोना से 5 मौतें हो चुकी हैं, जो यूपी में सबसे ज्यादा है। शनिवार रात वाराणसी में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 77 मामले सामने आए हैं। चुनाव में कोरोना और ओमिक्रॉन के केस में भयानक बढ़ोतरी कर डर सभी को सता रहा है। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक केस मिलने के बाद रविवार को उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा और डीजीपी मुकुल गोयल वाराणसी पहुंच रहे हैं। यहां 7 घंटे तक चुनाव की तैयारियां और कोरोना ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर मंथन होगा। वाराणसी में कोरोना के एक्टिव केस 1,011 है। शनिवार को वाराणसी में 13 बच्चे भी संक्रमित मिले हैं, जिनमें 1 से 14 साल तक के बच्चे शामिल हैं। इसमें 1 साल के 3 बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए। बीएचयू कैंपस के प्रोफेसर, डॉक्टर, छात्र, कर्मचारी, खिलाड़ी आदि संक्रमित हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी मरीज मिल रहे हैं उनमें से केवल 25% लोगों में ही कोरोना के लक्षण सर्दी, खांसी और बुखार मिल रहे हैं। बाकी लोगों में कोई लक्षण नहीं है। ओमिक्रॉन विस्फोट के बाद कोरोना भी विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 6,411 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 1,141, लखनऊ में 876 और वाराणसी में 337 केस मिले हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केस 18,551 हो गए हैं। तीसरी लहर में पहली बार संक्रमण से 6 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना की स्पीड ऐसी है कि महज 8 दिन में कोरोना के केस 16 गुना बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।